चैनल डेली रिव्यू। सो गाइस, आज जो प्रोडक्ट रिव्यू मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरे पास है लैक्मे का क्लेंसिंग मिल्क दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो ठीक है, ये इस तरीके की इसकी पैकेजिंग आती है। ये वाइट एंड लाइट एकदम ग्रीन इसकी बेस है, आप लोग देख सकते हैं। प्लास्टिक की ये बॉटल है दोस्तों, और इसकी जो प्राइसिंग है ये बॉटल की, ये है 4 रुपीज़ 135, 135 रुपये की ये बॉटल आती है। और ये प्रोडक्ट की जो नेट वेट है, जो नेट क्वान्टिटी है, इट इज़ 60 ml, 60 ml की ये बॉटल है दोस्तों। एंड ये आपको लोकल मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगा, बहुत आसानी से ये अवेलेबल रहता है कोई भी ग्रॉसरी स्टोर में या ब्यूटी शॉप्स में। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन लिंक, तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। लैक्मे का प्रोडक्ट है, रिलायबल है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इनमें से एक ही क्लेंसिंग मिल्क है जो आपके स्किन केयर में आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि हम लैक्मे के अगर दूसरे भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तो वो आपके चेहरे को निखार देते हैं, बट अगर स्किन केयर के तौर पे ये लैक्मे का जो क्लेंसर मिल्क है ये ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देता है। मैंने इसे पर्सनली यूज़ भी किया है, इट इज़ रियली रियली वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डेमो भी बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट क्लेंसर मिल्क अगर आपको प्रॉपर क्लियर स्किन चाहिए। तो दोस्तों ये जो क्लेंसर मिल्क है इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं या वीकली यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी मैं कहूँगी आपको टाइम है, जितना सफिशिएंट टाइम है आपके पास दिन में, अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली यूज़ कीजिए इसे, या आप वीकली यूज़ कर सकते हैं। क्लेंसर मिल्क आप कोई भी ब्रांड का यूज़ करें, यू कैन यूज़ इट डेली। सो ठीक है, ये आपके मेकअप को भी रिमूव कर सकता है। येस गाइस, ये आपके मेकअप को भी रिमूव करेगा, आपके फेस को एकदम से क्लीन करेगा। ये अगर आपने मेकअप नहीं लगाया हुआ है, आपको ऐसी क्लेंसर मिल्क यूज़ करना है, तो आप उसे उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसे तो मैं कहूँगी वॉशरूम में तो डेफिनेटली रखिएगा, ताकि आप फेस वॉश के साथ इसे यूज़ कर सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि विंटर्स भी चालू हो गए हैं, तो विंटर्स में स्किन ड्राई होती है, तो आप मॉइस्चराइज़र तो लगाएंगे ही अपने फेस पे, बट अगर आप इससे फेस क्लीन करते हैं ना क्लेंसिंग मिल से डेली, तो मॉइस्चराइज स्किन और ज़्यादा बनी रहेगी आपकी, जल्दी आपके फेस पे ड्राइनेस नहीं आएगी। एंड क्लेंसिंग मिल की एक चीज़ और एक बेनिफिट है कि आपको जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी अगर आप रोज़ क्लेंसिंग मिल से अपने फेस को क्लीन करते हैं तो। सो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे स्पेसिफिकली क्लियर करने थे इस वीडियो में, तो आई होप आप लोग सब लोग ने इस पॉइंट को बहुत भली भांति अब समझ गए होंगे दोस्तों। सो चलिए, इसका आप लोग डेमो देख लीजिए, इसे आपने किस तरीके से यूज़ करना है। अगर जैसे मैंने अभी मेकअप लगाया, अगर मुझे मेकअप रिमूव करना है तभी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। जो डेमो होगा वो मैं आपको क्लियर फेस पे इसका डेमो बताऊँगी, तो चलिए गाइस डेमो देख लेते हैं। सो गाइस, मैं अभी इसे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मली फेस में अभी सिर्फ पानी का स्प्लैश लिया है, दैट्स इट। कोई फेस वॉश नहीं यूज़ किया है मैंने फ़िलहाल, नॉर्मल पानी का स्प्लैश लेके मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और आपको थोड़ा सा पानी फेस पे लगाना होगा ताकि ये ब्लेंड हो जाए अच्छे से वाटर के साथ दोस्तों। और आप देख सकते हैं फार्मूला जो है वो वाइट कलर की बेस है, हल्की सी शाइन है फार्मूला में। और इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, एवोकाडो एंड विटामिन ई एक्सट्रैक्ट्स है इसके अंदर, तो ये क्लेंसिंग मिल्क आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, स्पेशली विंटर्स के मामले में। वैसे तो आप इसे ऑल सीज़न यूज़ कर सकते हैं, बट विंटर्स में तो खास करके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं करेगा दोस्तों। और आप अच्छे से ऐसे अपने फेस पे मसाज कीजिए, लाइक अ मसाज क्रीम आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं 2-5 मिनट की। तो आप देख सकते हैं नेक पे भी अप्लाई कीजिए, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जितने भी सांवले स्किन टोन वाले हैं उनको तो मैं अनिवार्य कहूँगी कि उन्हें यूज़ करना चाहिए क्लेंसिंग मिल्क एवरी डे। एंड इससे इस तरीके से आप अपलिफ्टिंग भी कर सकते हैं चीक्स की दोस्तों। सो आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग आपको फ़ील होगा ये, मतलब आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी काफ़ी अच्छा कर देगा, फेस के ब्लड सर्कुलेशन को। तो क्या होगा, फेस की ब्लड सर्कुलेशन चीक्स की अच्छी हो जाएगी ना, तो आपके स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाएगा। सो ठीक है, एंड हर कोई यूज़ कर सकता है क्लेंसर मिल्क, ऐसा नहीं है कि एक एज कैटेगरी को ये टारगेट करती है चीज़, मतलब आप न्यूली मैरिड है या अगर आप टीनेजर है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, आपको मतलब कोई भी एज के हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अभी क्या कीजिए, आप अभी या तो आप नॉर्मल गीले कपड़े से अपने फेस को पोंछ सकते हैं, सो ठीक है, या तो आप पानी की स्प्लैश से अपने फेस को पोंछ सकते हैं। अभी मैंने क्लेंसर मिल्क लगाया है, ठीक है, आप चाहें तो फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं इसके बाद, मतलब चाहे तो नहीं भी यूज़ कर सकते ओनली क्लेंसर मिल्क से। मैंने सिर्फ पानी की स्प्लैश ली है, मैंने अभी फ़िलहाल फ़ेस वॉश यूज़ नहीं किया है। इसके बाद आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। सो अब ये सिर्फ पानी की स्प्लैश से आप मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हैं, और ये फ्लाइट जा रही है इस वक्त ऊपर से दोस्तों, तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस पता लग रहा होगा साउंड में, सो रियली सॉरी फॉर दैट। टी शर्ट गीली हो गई थी मेरी, तो मैंने वो फिर चेंज कर ली थी, और आप फेस पे ग्लो देख सकते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए लैक्मे का जो क्लेंसर मिल्क है दोस्तों।
सो गाइज आप सबने डेमो देख लिया, और डेमो के दौरान भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स जो है क्लियर कर दिए हैं, एंड आपने निखार देखा मेरा, मतलब स्किन टोन आपको मतलब और फ़र्क नज़र आया होगा। आप फेस वॉश चाहे तो यूज़ करें चाहे तो ना यूज़ करें, एंड इस तरीके से आप जो है क्लेंसिंग मिल्क अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको मेरी आज की रिव्यू पसंद आई है विद डेमो अबाउट लैक्मे क्लेंसिंग मिल्क दोस्तों। सो ठीक है, एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल डेली रिव्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो जैसे ही सब्सक्राइब पर दबाएंगे आपको एक घंटी नज़र आ जाएगी, घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा, जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँचेगी, आप मेरी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, एंड येस गाइस मेरा एक और चैनल है जो कि है डेली टिप्स, आप मेरे दूसरे चैनल पे भी ज़रूर से विजिट कीजिए। दूसरे चैनल का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, तो जाइए उसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। सो ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, बाय दोस्तों।